आज सलाम दुआ जो है वो हो गई है हमारी, ठीक है। आज सीधी सीधी बात कर लूँ तो जी, आज की वीडियो जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया मैं यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ। यूट्यूब ऑन करता हूँ, ऊपर वीडियो है जी, फलाँ ने फलाँ को एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया, तीसरी बात नहीं कोई। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा आजकल जो हमारे दो बड़े बड़े महान यूट्यूबर हैं, शमीर बादशाह साहब प्रैंकस्टर है, 4K अल्ट्रा प्रैंकस्टर, और जो है वो हारिस वान साहब हैं, वो भी नाइस बंदे हैं। Assalamu alaikum everyone, this is Shamir Badshah and I'm back again to expose a fake prankster of Pakistan, Haris Sawan. To guys, ghabrana nahi. उन दोनों का आजकल एक मसला चल रहा है बड़ा। इससे पहले मसला चला था वो जो रकीब भाई है और वो ये वाला, तो इनका भी रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, तो इसी तरह रिजल्ट इनका भी कुछ नहीं बनना। गाल गुल को नहीं आवे, बस ना वक्त नु तकाला है। तो मैं इससे पहले तो शाम को कुछ देर के लिए मतलब यूट्यूब ऑन करके देखते थे यार, तो थोड़े से प्रैंक्स वगैरह देख लिए, कोई रोस्टिंग देख ली, कोई फनी वीडियो देख ली, चट शुगल हो गया। लेकिन अभी 2-3 घंटे के लिए यूट्यूब चलाओ और जी इन्हीं का वही मतलब यार नहीं, मैं रियल हूँ, दूसरा कह रहा यार मैं रियल हूँ। हम कहते हैं कि ठीक है आप सारे रियल हो सारे फेक हो, जो भी है ना, अगर सब फेक भी है फिर भी अपनी वीडियो बनाई जाओ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा रियल है फेक है। और अगर सब रियल हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी किसी को कीड़ा आएगा जो वो अपनी वीडियो छोड़ के ना वो दूसरे पे बनाएगा इस तरह। पहले मतलब इतनी अच्छी वो हरी सुबान का मतलब जा रहा था वो प्रैंक्स वगैरह, उसके हम लोग देखते थे, लेकिन शमीर ने अंदर वो कर दिया अपनी कि नहीं जी ये फेक है। वो स्टोरी है ना जो ऊबर वाला, ऊबर ड्राइवर प्रैंक था जो, उसने कहा जी नहीं वो फेक है, उसमें कैमरा, पहले इसने वो कैमरा हाइड किया, बाद में वो बड़ा कैमरा था। तो हारिस को चाहिए था कि जब वो ये वीडियो सुनता ना तो आगे से बोलता कि हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। लेकिन वो आगे से अपनी सफाइयां देने लग गया कि नहीं ऐसे है, मैं रियल हूँ, मेरी वीडियो रियल है, मैंने कैमरा यहाँ रखा, मैंने ये किया, ये ग्लास के नीचे जगह, इस तरह फजूल है मैं बस उसकी बात को लेकर दिल पे। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार हारिस चंगा भला सियाना बना बंदा है यार, तू लगा रहो बस ठीक है। और जो शमीर साहब हैं, शमीर भी अपने फेवरेट बंदे हैं यार, ठीक है तुम अपना कंटेंट बनाओ, वो अपना बना रहा है। ये इस तरह अभी इन्होंने इसी मौजू को लेकर चलना है और तकरीबन 2-3 महीने तक इनको कंटेंट मिलता रहेगा और ये अपलोड करते रहेंगे, और हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको भी कंटेंट मिलता रहेगा। हाँ भी फिर सारी बात है, वो तो बनाएंगे वीडियो इसी चीज़ पर। तो आखिर में ना जो एक बहुत बड़े महान यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उनका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत अरसे से उनकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि जो पी फर पका हुआ है उसे कोई फेक ना बोले। फेक इसलिए ना बोले क्योंकि भाई वो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, वैसे है वो भी फेक ही है, लेकिन उनको कोई फेक ना बोला यार, वो बंदा ना मतलब अपना फेवरेट बंदा, ठीक है। फेवरेट है उसी तरह, और जिस तरह नादिर भाई अपने फेवरेट हैं उसी तरह वो हारिस समान और शमीर डकी लता समूह ये सारे यार इन्हीं की मतलब देखते थे वीडियो हम लोग शुरू से, इन्हीं की वीडियो देख के हम भी यूट्यूब पर आए, चलो थोड़ा बहुत शौक पैदा हुआ यूट्यूब पर आने का, तो इनके जो आपसी रफड़ हैं वो ही नहीं ख़त्म होते तो फिर हम लोग यहाँ भी क्या करें। फिर वो डकी भाई ने एक वीडियो बनाई हारिस समान के, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोला था, लेकिन हारिस उसको भी दिल पर ले गया यार, इतना तो शरीफ बंदे हो यार, मुझे हैरत होती है कि इतने तुम किस तरह के बंदे हो, तुम्हें कोई पता ही नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा मेरे बारे क्या करे, तुम बस अपनी वीडियो बनाओ बनाओ बस। लेकिन वो जारी बात है, वो रोस्ट है, उनका काम ही है कि उन्होंने आपको रोस्ट करना है, रोस्ट करना है, रोस्ट करना है। तो हारिस भाई यार आप बड़ी बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं, और शमीर भी अपना काम जो रोस्टिंग वाला वो बड़ा बेहतरीन कर रहा है, वो चाहे आपको रोस्ट करें या किसी और को करें, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, आप अपनी सफाइयाँ ना पेश करें। चले हमने मान लिया कि आपने रियल किया, चले वैसे है तो प्रैंक फेक ही था, लेकिन हमने मान लिया कि आपने रियल किया है, लेकिन फिर भी आप जो वो आगे जो अपने अगले प्रैंक्स हैं आप वो बनाएं, ठीक है। पिछलों को आप दफ़ा करें, गोली मारें, जो भी हुआ है हो गया वो हो गया बस, ठीक है। और बाकी अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ बैठा हूँ, उजाड़ बियाबान जंगल है, तो ये भाई बियाबान वन को नहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह, अगर मैं बाहर आया हूँ खेतों में यार, असल में ना हमारी मजबूरी ही है कि हमें वीडियो बनाने के लिए खेतों में आना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा माहौल इस तरह का गाँव में लोग वो कैमरा वगैरह हो ना पास, फ़ोन हो तो वो अच्छा नहीं समझते। तो ये देखें ये ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ये मैं बाहर आया हूँ पीछे सूरज है, और बस ये सीन है हमारे इर्द गिर्द, फसल है खेत है। तो बाकी यार जो बंदा जो कर रहा है उसे करने दो, ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ अलबत्ता आपने अगर उसके मतलब कोई वीडियो बनानी है अभी जिस तरह मैं बना रहा हूँ,
तो लेकिन उसे बुरा भला ना कहो, ठीक है उसके मतलब बनाओ आप वीडियो, लोगों को बताओ कि उसने जो मतलब फेक है वो, लेकिन साथ ही उसे ये भी बोल दो कि यार भाई गुस्सा नहीं करना हम लोग, हमें और कुछ चीज़ बनाने को मिली नहीं है इसलिए हम ये बना रहे हैं। और मज़े की बात ये कि मैं भी इसलिए ये बना रहा हूँ कि मुझे कुछ मुझे मेरे पास कोई और जो कंटेंट है वो नहीं आया, कि मतलब जहन में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, किस मौजे पर वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि आजकल ये फटा चल रहा है तो मैं इसी पर बना देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, वसते रहो, सिरां च तेल चसते रहो। ओके बाय।